सर इतना बढ़िया इंसान था, मैं तो 55 फिल्में बनाई, मैं समझता हूँ 15-20 पिक्चरों में उन्होंने काम किया होगा। इतना इतना शरीफ आदमी, इतना बढ़िया एक्टर, इतना डायरेक्टर का एक्टर, इतना मैं आपको बताया, ऐसा एक्टर तो आजकल है भी नहीं, वेरी फ्रेंकली स्पीकिंग। मेरे यहाँ तो बहुत बढ़िया बढ़िया त्यागी की और हर पिक्चर, मतलब उनके बिना फिल्म ही नहीं बनती थी। तो मुझे बड़ा अफसोस है, मुझे ही नहीं पूरे हिंदुस्तान को अफसोस है, पूरे इंडस्ट्री को कादर खान साहब के जाने का बहुत अफसोस है। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। किन साहब क्या यादें ताज़ा होती हैं, क्योंकि आपने एक बहुत लंबा वक्त उनके साथ गुजारा है, कई फिल्में की हैं आपने उनके साथ, कुछ बताना चाहेंगे सेट पे कैसा माहौल रहता था और या पहली फिल्म या पहला वक्त आपने जब साथ? मतलब क्या है सर, आपको बताऊं, ये पुराने एक्टर है ना, जैसे प्राण साहब है, कादर खान साहब है, ये लोग जो है ना, ये एक तो सेट छोड़ के नहीं जाते थे। आजकल के माहौल की तरह नहीं है कि गए और वैन में घुस गए, डिस्कशन हो रहा है, बात हो रही है, कोई प्रोड्यूसर उधर खड़ा, वो न्याय थी, वो उसमें बिलीव करते थे। मैं बोला यार खान साहब आप अंदर जाओ ना, मेकअप रूम में बुला लूँगा। तो बोले नहीं, मैं बोले इसका राज क्या बताओ आप? बोले बुखाड़िया साहब मुझे एक्टिंग सामने वाले एक्टर को देख के करना है, वो कहाँ छोड़ता है मैदान को, मैंने अपनी बाजी उससे मारनी है, पहले तो मैं उससे अच्छा करूँगा तो मेरी वाहवाह होगी। तो ये बातें तो वाकई है सर, प्राण साहब का भी यही आलम था, वो सेट छोड़ के जाते ही नहीं थे, बच्चन साहब का भी यही हाल था। तो ये कादर साहब एकदम 100% इसको बोलते हैं परफेक्ट एक्टर था सर, परफेक्ट इंसान था। और जो परफेक्ट इंसान होगा वही बढ़िया एक्टर होगा सर, जिसका दिल बढ़िया होगा वही परफॉर्म अच्छा करेगा सर। कुछ यादें अगर आप सेट की बताना चाहें किसी फिल्म के दौरान, और कुछ सजेशन उन्होंने दिया? कुछ था ही नहीं सर, कुछ था ही नहीं, मेरे साथ तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। इतना मैं आपको बताऊं, यस सर, और साउथ में था मैं तो, ऐसा साउथ का माहौल ही ऐसा था, मैं हर आदमी सर के बिना बात नहीं करता था। कादर साहब किसी स्पोर्ट बॉय को भी ऐसा नहीं बोलते थे, इधर आओ भाई साहब जरा चाय पिलाओगे, ये उनका आलम था सर। भाई साहब जरा लाइट मैन को बोलते यार संभाल लेना, बुजुर्ग आदमी हो, जरा शक्लों पे झुरियाँ पड़ी, आपकी वजह से ही मैं कादर खान हूँ। ऐसा इतना बढ़िया इंसान था, सबको मिलजुल के काम लेता था, किसी को इस बात को जाहिर नहीं होने देता था। सेट पे कितने ही फोटो आते थे, फैन तो मैं बोलते यार अभी डिस्टर्ब मत करो, खान साहब बुला के बोलते थे, बोले यार इनकी वजह से था मैं, आ भाई आ तेरे फोटो खिंचवाना, आ चल और कोई बात नहीं, बोले बुखाड़िया साहब ये है तो हम है। आजकल के किसी को बोलो तो ऐसा आई डोंट नो सर, मैं किसी के बारे में बोलूंगा नहीं, बट वो जीने साथ भी था सर। क्या आपको क्या ऐसा खास था कादर खान साहब में, किसी साहब, क्योंकि आप साथ में काम कर चुके हैं, जो उन्हें बाकी लोगों से अलग करता? नहीं, वो बेसिकली खुद ही राइटर था सर, उसको हर डायलॉग का अहमियत मालूम थी, तो खुद ही लिखता था। तो बस जो अच्छा लिखा हो, जो अच्छा राइटर होगा तो वो उसको समझ है सीन का एसेंस क्या है, सीन का मतलब क्या है, कहाँ जाके मैंने किस में पड़ोसी को मारना है। तो इतना मतलब काबिलियत थी उस इंसान में। मैं सर कितना भी बारे में पूछेंगे तो एक ही बात है सर, वो 1 से 10 तक वही था परफॉर्मेंस में। क्या आपको लगता है जो मान सम्मान जो उन्हें इंडस्ट्री से मिलना चाहिए था उनके आखिरी वक्त? मैं सर यस बिल्कुल, मैं आपको नहीं सर, ये हमारी इंडस्ट्री में बहुत बहुत खराबी है, जो जिसको चलते हैं उसको तो वाह करते हैं। उसके बाद खान साहब 5 साल में इतने बीमार थे, मैं बल्कि 2 बार उनके घर गया, तो वो उन दिनों में पहचानते नहीं थे, तो बोले फिर थोड़ी देर बाद बोलते आप किसी बुखाड़िया साहब है ना, मैं कहा सर मैं खान साहब कैसे आप, बोले यार बस अल्लाह, बस अल्लाह यही है, बार बार अल्लाह अल्लाह बोलते थे, मतलब करके इंडस्ट्री के लोगों में तो नहीं सर, ये हमारे इंडस्ट्री में बहुत कमी है, इसलिए मैं क्या बोलूँ सर, ऐसा नहीं होना चाहिए था। मतलब जो पीक पीरियड में आदमी था, जो बादशाह किंग कॉन्ग, मतलब अपने ज़माने का एक्टिंग के स्कूल थे, इंस्टीट्यूट थे, कई एक्टरों को उन्होंने तैयार किया होगा, अपने साथ वाले किसी एक्टर को कभी कॉम्प्लेक्स नहीं दिया, उसको पलट के किसी ने देखा भी नहीं, किसी को पता भी नहीं सर इंडस्ट्री का। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए जो हमारी इंडस्ट्री में खास करके है। मुझे अफसोस के साथ, बड़े तकलीफ के साथ ये बोलना पड़ता है, इंडस्ट्री मतलब इंडस्ट्री में एक छोटी सी इंडस्ट्री है सर, उसमें भाईचारा होना चाहिए। सब फिल्म में काम कर करके सब आर्टिफिशियल हो गए, सब एक्टर हो गए, हर आदमी एक्टर हो गया, कई भावना नाम की चीज़ ही नहीं है सर। बोलने को हम लोग अच्छा बोलते हैं, हम फिल्म लाइन एक ही बिरादरी है, कोई बिरादरी नहीं है सर, यहाँ कामयाबी ही बिरादरी है। जिसके पास कामयाबी का टैग है, जिसके पास कामयाबी का मेडल लेबल है, उसी के पीछे सब घूमेंगे, थोड़ी देर अगर दो भी फ्लॉप हो गई तो पलट के भी नहीं देखेंगे। तो खान साहब को वो बहुत पूजनीय आदमी था और उसको मान सम्मान मिलना चाहिए था,
अभी चलो जीते जी नहीं मिले तो मरने के बाद भी मिलना चाहिए था, ऐसा मेरा सोचना है सर। ओके किसी जी, आखिरी सवाल मेरा आपसे, उन्होंने अमित अमिताभ बच्चन को बड़ी नाराजगी जाहिर की थी हर बार, उन्होंने कहा एक दो इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि वो अमित, जिस अमित को मैं जानता था वो अमित तो अमित रहा नहीं, इस बारे में कुछ कहना चाहिए। मैं सर मैं कोई भी कमेंट्स नहीं करूँगा, उनका पर्सनली जाति मामला है बच्चन साहब का और उनका, अभी मुझे तो इतना इसके बारे में क्या बोल सकता हूँ बताइए। आपका थैंक यू सो मच। थैंक यू।